तो आप अंकित को देख सकते हो गाइस कि जो रेड थे वो रेड कपड़े थे लेडीज़ के लिए, बट अंकित अपने आप को लेडीज़ में गिनती करता है इसीलिए वो रेड टी शर्ट पहन के आ रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आई होप यू ऑल आर वेल। तो यार अभी सुबह के बज रहे हैं करीबन 6 बज गए और मेडिको में भाई मस्त वॉक वॉक करा के आ गया। तो चलो यार अपने बाकी काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस क्या कहते हैं, जैसा कि आज हरेला है तो इसीलिए ये कौन सी दाल है मम्मी? उड़द की दाल है। तो मम्मी उड़द की दाल पीस रही है, इसको भिगा के रखा, कल रात में भिगा दिया था ना। तो ये पहाड़ियों का जो पर्व होता है इसमें अभी क्या कहते हैं, इसके बेड़ू बनेंगे ना, पकौड़े टाइप के होते हैं, बड़ बनेंगे, बड़ पकौड़े टाइप के मान लो जिन्हें नहीं पता। तो मम्मी इसको सिलबट्टे में पीसें क्योंकि एकदम सूखा चाहिए होता है, गीले में नहीं बनता, तो इसलिए भी मम्मी फुल मेहनत चल रही है। सिलबट्टे में अच्छी तरीके से बनता है, मशीन में पीसने में उतना बढ़िया नहीं बनता। और पापा वहाँ पे जो है खीर बना रहे हैं। तो गाइस ये उगाया है हरेला, बट लेकिन कह रहे हैं ठीक से उगा नहीं, लेकिन ठीक ही लग रहा है, उगा नहीं क्या सही से? तो भाई आज भाई काट रहा है पहली बार। अभी फिर पंडित जी आएंगे, वो हरेला लगा के जाएंगे भाव को भी सबको। तो ये है हमारे पहाड़ी कल्चर का एक हिस्सा, हरेला। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु चरण कमल भ्यो नमः। पुष्पं गृहीत्वार्थ नाम ओम नमः। स्वस्ति सुमूर्ता सुम नाम ओम नमः। डरे ध्यान शंकर जान हरि ओम नमः। ओम नमः। ओम स्वस्ति नौमि मिदामस्मि नम मृगः स्वस्ति व्याधि तिरनवणः स्वस्ति भूखासुरौ नदाधुनः स्वस्ति धावा पृथिवी सुजयितुनः स्वस्ति वायुर्वामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्वस्ति। ओम मंत्रार्थ सफला सन्तु गुणा सन्तु मनोरथा सपृणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां उदय धन सम्पत्ति सूर्यादि। तो गाइस यार हरेला वगैरह तो मना लिया और मैं थोड़ा बाहर गया था काम से, तो नीरू से मैंने वीडियो बनवा ली थी कि बना लिया ऐसे ऐसे करके। तो भाव को भी हरेला लग गया और मस्त शोर के हरेला लगने के बाद तो भाई आज मस्त मस्त पकवान बने हुए हैं, पूरी रायता खीर और सब्जी भी बनी है। सब्जी शायद नहीं खा रहा होगा भाई, तो मैं भी फटाफट से खाता हूँ। तो गाइस यार अभी हमें कहीं निकलना है तो फटाफट से रेडी वेडी तो हो गए मैं और भाई, तो जाते जाते बताएंगे, लेट हो रही जाने के लिए। तो गाइस यार कैब भी आ गई है, अब बैठते हैं फटाफट से। गाइज यार लोकेशन पे तो आगे, मतलब थोड़ा सा आगे जाना है, और अभी क्या कहते हैं राकेश भैया अंकित और भाभी वगैरह भी आ रहे हैं तो उनसे मिलना है। तो आगे जाके आपको बताता हूँ भाई किस कारण से हम इधर आए हैं, क्या बात है। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला भाई आज का व्लॉग, कुछ नया देखने को मिलेगा आज आपको। तो गाइज यार जाना था 12 नंबर गेट पे, लेकिन वो आगे लेके चले गया, 22 नंबर गेट पे उतरे, तो अब यहाँ से आगे 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 पैदल जाना है। फाइनली भाई गाइस मिल गए हमको भैया वगैरह, और ये पासिस वगैरह भी मिल गए हैं, अंदर जाना है, अंदर जाके बताएंगे अभी क्या है, बाहर गर्मी लग रही है ना तो बाहर नहीं बताएंगे। तो गाइस ये देखो भाई एंट्री हो रही है, उसे इतनी भीड़ हो रखी है कि हमें भी यहीं से घुसना है। मिक्सअप है क्या? अच्छा लड़कियों का अलग है ना, लेडीज़ हुई तो चलो 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 चलो। तो गाइस अभी क्या कहते हैं पास काउंटर पर भैया गए हुए हैं, पास जमा होंगे एंड ऐसा एक बैंड मिलेगा जैसे भैया ने हाथ में पहन रखा है, हम भी पहनेंगे ये वाला बैंड मिलेगा, सेम हम भी ऐसे पहनेंगे भी हाथ में थोड़ी देर में। तो गाइस येरा बैंड मिल गया, तो राइट हैंड में हम भी पहनते हैं। भाई बड़ी गंदी है, टाइट करियो भाई से। तो गाइस अब कर रहे हैं हम एंट्री, बिकॉज अब बताता हूँ मैं क्या है एक्चुअली। आज हम आ रखे हैं भाई वेस्टिज है एक कंपनी का नाम, तो यहाँ पे हम इससे रिलेटेड यहाँ पे 16-17-18 तीन दिन का यहाँ पे क्या कहते हैं इवेंट लगा हुआ है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आ रखे हैं गाइस। तो गाइस ये रहे हमारे भैया भाभी, ये देख सकते हो सामने। भाभी जी कहाँ गई? ये रही भाभी जी, ये देखो। तो इनकी बदौलत आज हम यहाँ पे आए हैं। तो गाइस 3 दिन क्या कहते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये वेस्टिज वालों का प्रोग्राम है, इवेंट है यहाँ पे। तो भैया ने हमें बताया था कि काफ़ी अच्छा होने वाला है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, तो हमने कहा बिल्कुल भैया चलेंगे। तो आ रखे हैं, तो ये देखो पूरा इंदिरा गांधी स्टेडियम का, अभी फर्स्ट टाइम मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी कभी गया नहीं इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो चलते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, तो बने रहें भाई। तो आप अंकित को देख सकते हो गाइस कि जो रेड थे वो रेड कपड़े थे लेडीज़ के लिए, बट
बट अंकित अपना आपको लेडीज में गिनती करता है, इसीलिए वो रेड टी शर्ट पहन के आ रखा है। अबे भाई और हम बड़ी देख लो भाई, जितनी भी मतलब लेडीज है उन्होंने रेड पहना, तो साथ में अंकित ने भी पूरा सहयोग दिया है। सहयोग देना पड़ता। तो भाई यार बाहर तो इतनी गर्मी हो रही है, खड़ा नहीं हो जाता, तो इसलिए हम अंदर आ गए। और भाई ये बता रहे हैं यहाँ पे 10,000 बंदे आए हैं, 10,000 मायने रखते हैं भाई, 10,000 सब्सक्राइबर्स आ गए मेरे साहब। बड़ी गर्मी है, एक उनमें से ये रहा भाई। अरे यार पिट्ठिया पानी अभी से क्यों दे रहे हो भाई? ये देखो अभी इन लोगों को भूख लग गई, पता नहीं सुबह सुबह घर से भी खा के आ रहे हैं, बट शरीर से भी लग रहा है कि ज़्यादा खा ही लेंगे भैया। भाई साहब बिल्कुल अंदर चल रहे हैं ऑडिटोरियम में, जहाँ पे मेन फंक्शन होगा। ओ ओ ओ गाइस गाइस, जो पिंक वाला बैंड मिला है वो बंदे इस वाले इसमें इस वाली गेट से एंट्री है, बट भैया इतने हम पे दयावान हो रखे, तो भैया हमारे साथ ही बैठेंगे, क्योंकि हमारा बैंगनी वाला है, भैया का पिंक है, बट भैया कह रहे तुम्हारे साथ ही जाऊंगा मैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया भैया। तो गाइज हमारी जो एंट्री है इधर से, अब यहाँ से सीढ़ियों पे चढ़ते हैं फटाफट से, यहाँ से चढ़ के फिर अंदर चलेंगे। और ये तो कह रहे हैं यहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट छोड़ के आज लंच है और रात का डिनर भी इधर ही है। तो मौसम भी बड़ा प्यारा हो गया भाई, बाहर आपको दिखाता हूँ अभी, जस्ट यहाँ से बारिश वाला मौसम बन गया बाहर पूरा का पूरा गाइज। ये देखो हवा चल रही, तूफानी मौसम हो चुका है, क्या बात है, चलो मौसम भी तगड़ा बन गया। तो यहाँ से अब हम एंट्री लेने वाले हैं। कैसा लग रहा है आपको आके पहली बार? भैया ने पूछा ऑडी लग रहा है, वेस्टीज में आके कैसा लगा? ओए गाइस देखो, ओ भाई साहब ये है सीटें बैठने के लिए गाइस, पूरा 10,000 लोग आएंगे पूरा का पूरा। देखो यहाँ पे सिस्टम लगा पड़ा है, ये देखो भाई, और वहाँ पे कितने लोग जाके बैठ चुके हैं ऑलरेडी गाइस, और हम अपनी सीट ढूंढेंगे। कैसा लग रहा है? ये तो लग रहा है शादी में आ गए। ओ भाई क्या लाइटिंग है, क्या नजारे। तो गाइस बैठ गए और आवाज थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, बहुत डीजे बज रहा है, और यहाँ से बिल्कुल जान बुझ के बैठे क्योंकि सामने दिख रहा है एकदम। देखते हैं भाई कितनी देर में स्टार्ट होने वाला शो। अगले 3 दिन हम सभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छी मेमोरीज बनाने वाले हैं। यार अभी थोड़ा बाहर आ रखे हैं, पैरों में भी दर्द हो गया इतनी देर से, 3-4-5 घंटे से बैठे बैठे पड़े थे, थोड़ा बाहर आ रखे हैं। बाहर आके देखा भाई बारिश स्टार्ट हो रही है, तो नहीं कब से लगी पड़ी है, पूरा मौसम मतलब तगड़ा वाला हो रखा भाई आज दिल्ली में। चलो ये बढ़िया हो गया, थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी, पर ना भाई हालत डाउन हो रही थी दिल्ली में भी गर्मी से, गाँव में तो बढ़िया हो रखा था, हो गया मौसम आज गई। तो भाई यार क्या कहते हैं वहाँ से तो आ गए कल के, फर्स्ट टाइम बैठे भाई ब्लू वाली जो नई इलेक्ट्रिक वाली बस आई है उसमें, ये नेहरू प्लस ले गए, उसके बाद वहाँ से आगे देखते हैं। और अंकित भी भाई हमारे साथ ही आ गया। तो गाइस यार घर पहुँच गए वहाँ से, और दिमाग ख़राब हो गया दिन भर आज, मतलब बैठे बैठे वैसे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब सुनने को भी मिली, मज़ा भी आया, बट लेकिन इतनी देर तक बैठे रह गए ना, दर्द हो गया पूरा शरीर, अजीब सा लग रहा है भाई। फटाफट से खाना वाना भी डिनर विनर कंप्लीट कर लिया अपना, देखो बिस्तर एक्स्ट्रा लग गया है, तो मस्त अभी सोते हैं फटाफट से, कल फिर से जाना है, आज फर्स्ट डे था कल सेकंड डे है। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।